हमास ने दो बंधकों को रिहा किया। 18 दिन की कोशिश के बाद यह कामयाबी इसराइल को और तमाम देशों की मध्यस्थता के बाद मिला है। राफा क्रॉसिंग पर इसराइली टीम को इन दोनों महिलाओं को सौंपा गया है। 85 साल की यजवट लिफशिट्स को रिहा किया गया, जबकि 80 साल की नूरी कपूर को रिहा किया गया। दो अमेरिकी बंधक पहले ही रिहा किए जा चुके हैं और बातचीत की टेबल पर यह पूरा युद्ध पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाने की कोशिश भी जारी है। राफा क्रॉसिंग बॉर्डर से निकाले जाएंगे बंधक। दोहरी नागरिकता वाले बंधकों की होगी रिहाई। मिस्र और फिलिस्तीन की सीमा पर है राफा क्रॉसिंग, वहां से इन बंधकों को छोड़ा जाएगा। और बंधकों को छोड़ने के लिए हमास ने रख दी है शर्त। हमास ने गाजा के लिए फ्यूल की डिमांड कर दी है। फ्यूल खत्म होने से कई अस्पतालों को इस मुश्किल हालात में भी बंद करना पड़ा। बिजली नहीं होने से इलाज पे भारी परेशानी आ रही है। लिहाजा गाजा ने हमास ने यह कह दिया है कि हम रिहा तभी करेंगे बंधकों को जब हमारे ईंधन की व्यवस्था की जाए। और IDF के मुताबिक हमास के पास करीब 220 लोग अभी भी बंधक है। बंधकों में करीब 30 बच्चे 20 बुजुर्ग शामिल हैं। हमास ने 3 दिन पहले दो अमेरिकी महिलाओं को रिहा किया था। दोनों महिलाएं किबुत्ज म्यूजिक फेस्ट में अगवा हुई थी और उसके बाद उनको रिलीज किया था। मां बेटी को एक साथ छोड़ा गया था। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस वक्त हमास के कब्जे में कितने बंधक हैं और अब तक कितने बंधकों को रिहा किया गया हमास के कब्जे में। देखिए वो डिटेल्स बिग बॉल पर आ चुकी है। कब रिहा होंगे बंधक और हमास की कैद से, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमास के कब्जे में थे लगभग 222 बंधक जिनको छुड़ाने के लिए ये कोशिशें चल रही थी। 20 अक्टूबर को दो अमेरिकी बंधकों को रिहा किया गया और उसके बाद पहला भी जारी है। बिल्कुल, देखिए 23 अक्टूबर को दो महिला बंधक को भी रिहा किया गया। आज रिहा हो सकते हैं 50 बंधक, यानी 50 लोगों को राफा बॉर्डर से क्रॉस कराया जा सकता है। ईंधन की शर्त पर बंधकों की रिहाई की बात कही है हमास ने। जा बिल्कुल, और देखिए राफा क्रॉसिंग से निकाले जाएंगे बंधक। कल भी जो दो लोग छोड़े गए हैं उन्हें भी राफा क्रॉसिंग से निकाला गया और कतर के मध्यस्थता के बाद ये बात तय हुई है कि फ्यूल दिया जाएगा उसे तीसरे देश के जरिए और बदले में जो बंधक है तमाम मुल्कों के इस वक्त वहां से जो अगवा किए गए थे उनको छोड़ेगा हमास। और विपिन, हमास से बंधकों को छुड़ाने के लिए कतर मध्यस्थता कर रहा है, इसके मायने क्या है, इसका अर्थ क्या है, जरा इसको भी हम समझते हैं। तो देखिए कतर की बात करें, उसके स्टेटस की बात करें, स्टेटस जो है उसका अमेरिका का एक तो करीबी है कतर, यानी कि अमेरिका से लगातार संपर्क इस पूरे मामले में। हमास से भी अच्छे संबंध है कतर के, इसलिए वो मेडिएट कर रहा है। और कतर की मध्यस्थता के बाद लोगों के जो बंधक अगवा किए गए थे उनको छोड़ने का रास्ता बना है। दोहा से ऑपरेट होता है हमास और पहले भी मध्यस्थता कर चुका है कतर, जिसके बाद ये संभावनाएं अब प्रबल हुई है रवि। और US की प्राथमिकता अपने नागरिकों को हमास के चंगुल से छुड़ाना है। US ने IDF का ग्राउंड ऑपरेशन रोका है ताकि अपने नागरिकों को वो सुरक्षित निकाल सके। और कतर के PM से बात कर चुके हैं ब्लिंकन ताकि इस मध्यस्थता को अंजाम दिया जा सके और जल्दी से जल्दी जो भी लोग अगवा बंधक हैं उनको छुड़ाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमास इसराइल संघर्ष से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए TV9 भारतवर्ष के संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मुस्तैद है। अमेरिका सहित वो सभी देशों के बंधकों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके नागरिक हमास के कब्जे में हैं। देखिए हमारे संवाददाता मनीषा की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए एक ऐसे वक्त में जब बंधकों की रिहाई होने वाली है, उस वक्त आप देखिए ये तमाम जो चेहरे हैं ये वो लोग हैं जो बंधक बने हुए हैं हमास के, और इसीलिए इन सब के लिए इससे बड़ी राहत की खबर और क्या नहीं आ सकती है। मैम, सिंस यू आर अवेयर दैट द 50 होस्टेजेस आर गोइंग टू रिलीज टुनाइट, सो व्हाट यू वुड लाइक टू से? आई वांट देम टू फ्री एवरीवन। आई थिंक वी आर ऑल, दे आर ऑल, दे डिडंट डू एनीथिंग, दे नीड टू कम होम, दे मिस देयर फैमिली, वी वांट देम होम, वी वांट देम happy, we want
तो देखिए इनके पास क्या है, ब्रिंग बैक द होस्टेजेस, ये इसराइल के लोग कह रहे हैं, ये IDF नहीं कह रही है, ये इसराइल के लोग कह रहे हैं। और आपको इसराइल की सोसाइटी समझनी पड़ेगी। आपने जान आपने भी उदाहरण दिया कि एक सैनिक के बदले उन्होंने 1000 प्रिजनर को छोड़ दिए थे। तो अभी फिलहाल कोई कंडीशन अगर आप कहिए तो ये मन चाहे किसी भी मुराद को पूरा करने के लिए इसराइल के लोग तैयार हैं। और इसराइल की सरकार इनसे बाहर नहीं है। इसराइल की सरकार ना इसराइल के लोगों को इग्नोर कर सकती है, ना वो वाशिंगटन को इग्नोर कर सकती है, ना पश्चिमी देश के वो तमाम लोगों को। आप सोचिए इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इनके जितने भी राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं? वो इसराइल को समर्थन देने आ रहे हैं, साथ साथ ये बता रहे हैं कि बंदूकों में हमारे भी लोग हैं, उनको हर हालत में आप छुड़ाइए। तो इस तरह के प्रेशर के बीच में ये नेगोशिएशन चल रहा है।